दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे रक्षाबंधन के दिन कौन सा गलतियां नहीं करना चाहिए और शुभ मुहूर्त राखी बांधने का कब है। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन आपको भूलकर भी 10 गलतियां नहीं करना चाहिए और दोस्तों आपको 10 बातें हमेशा याद रखना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त और रक्षाबंधन के दिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। दोस्तों इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन पर्व 30 अगस्त दिन बुधवार को मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार प्रति वर्ष सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहने अपने भाई को रक्षा सूत्र यानी राखी बांधकर इस पर्व को मनाती है। यह सावन माह की आखिरी दिन होता है जिस दिन पूर्णिमा तिथि होती है। दोस्तों अब जान लेते हैं वो 10 चीज क्या है जो रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, रक्षाबंधन के दिन सर्वप्रथम राखी भगवान श्री गणेश, शिव जी, हनुमान जी तथा कृष्ण जी को बांधना शुभ होता है, इन्हें राखी बांधना ना भूले। नंबर 2, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। राहु काल या भद्रा काल में भूलकर भी भाई को राखी ना बांधे। दोस्तों यह बात हमेशा ध्यान रखना और बहन को भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, काले धागे की टूटी फूटी या खंडित राखी अपने भाई को ना बांधे। ऐसी राखी बांधने से अशुभ फल मिलता है, ऐसी दोस्तों मान्यता है। नंबर 4, प्लास्टिक तथा अशुद्ध चीजों से बनी एवं अशुभ चिन्हों वाली तथा भगवान की फोटो युक्त राखी भूलकर भी ना बांधे। नंबर 5, भैया को राखी बांधते समय सिर ढकना ना भूले। ध्यान रहे कि भाई और बहन दोनों का सिर ढका हुआ होना चाहिए। बहन को एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी भाई को राखी बांधे तो एक मंत्र जरूर बोलना चाहिए। नंबर 6, राखी बांधते वक्त राखी का मंत्र बोलना ना भूले। मंत्र है, एन बंदो बली राजा दान वेद्रो महाबल तेन त्वम प्रति बदनामी रक्षे माचल माचल। अपने भाई को राखी बांधते हैं तो यह मंत्र जरूर बोले। नंबर 7, अपने भाई को राखी बांधने से पूर्व तिलक करते समय रोली या चंदन ले, सिंदूर से तिलक ना करे, अक्षत खंडित ना हो, इसका भी ध्यान रखे। नंबर 8, राखी बांधने वक्त भाई को मुख दक्षिण में ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखे। यह बात हमेशा ध्यान रखना। नंबर 8, राखी बांधते वक्त भाई का मुख दक्षिण में ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखे। नंबर 9, भाई की आरती करते समय टूटा फूटा दीपक ना ले। बहन के आरती करने के पश्चात भाई को थाली में दक्षिणा दिए बगैर अपनी जगह से ना उठे। नंबर 10, राखी बंधवाने के पश्चात भाई अपने बहन के पैर अवश्य छुए। यदि भाई बड़ा है और बहन छोटी हो तो बहन को भाई के पैर छूना उचित माना जाता है। दोस्तों यही था 10 बातें जो आपको रक्षाबंधन के दिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा रहस्य भरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।